हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे क्लास सेवेंथ के साइंस का सेवेंथ चैप्टर वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, और साथ ही जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं आखिर इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में हमें वेदर से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ बातें आपको बताई गई हैं इस चैप्टर्स में, और साथ ही ये भी बताया गया है कि किसी भी स्पेसिफिक रीजन्स में जैसे क्लाइमेट होते हैं उसी के अकॉर्डिंग कोई भी एनिमल्स खुद को इस तरह से अडेप्ट कर लेते हैं अपने सराउंडिंग्स में ताकि वो इजीली सरवाइव कर पाए। यानी वेदर और क्लाइमेट के बीच में एक रिलेशंस को बताया गया है, और साथ ही एनिमल्स के भी रिलेशंस को इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं आखिर इस वर्ड वेदर वर्ड का आखिर क्या मतलब है। आप देख पा रहे हैं वेदर वर्ड का मतलब होता है द स्टेट ऑफ द एटमोस्फेयर इज कॉल्ड वेदर। एटमोस्फेयर के स्टेट्स को ही हम लोग वेदर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर एटमोस्फेयर का स्टेट होता क्या है। जैसे जहाँ कहीं भी आप स्पेसिफिक जिस प्लेस में रह रहे हो वहाँ पर मॉर्निंग में एक अलग वेदर है और आफ्टरनून में एक अलग वेदर है, उसी तरह इवनिंग में एक अलग है और नाइट में एक अलग है। अलग वेदर का मतलब ये बताता है वेदर ऑलवेज चेंज होते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। एज आप कह सकते हो मॉर्निंग में सनशाइन है, आफ्टरनून में क्लाउडी है, देन इवनिंग में रेनी हो रहे हैं, और देन नाइट में अगेन प्लीजेंट वेदर है। तो ये जो वेदर का फ्रीक्वेंटली चेंज है ना, ये एटमोसफेयर का जो फ्रीक्वेंटली चेंज है इसे ही हम लोग कह रहे हैं वेदर। नेक्स्ट हम लोग जान लेंगे, आप देख पा रहे हो ये वर्ड क्लाइमेट वर्ड का आखिर हमें मतलब जानना है कि आखिर क्लाइमेट वर्ड का क्या मतलब होता है। क्लाइमेट वर्ड का मतलब होता है द एवरेज कंडीशन ऑफ द वेदर प्रिवेलिंग इन एनी एरिया इन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। ये जो किसी भी जगह में पार्टिकुलर एरिया में जो एवरेज वेदर का जो कंडीशन है ना उसे हम लोग क्लाइमेट कहते हैं, और ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में इसे कैलकुलेट करके निकाला जाता है। तो एवरेज वेदर का मतलब होता है किसी भी एक पार्टिकुलर एरिया में मोस्ट ऑफ द ईयर अगर हीट बने रहते हैं ना तो वहाँ पर हॉट क्लाइमेट क्रिएट होंगे। और इस चैप्टर्स में आगे क्लाइमेट के बारे में आपको और भी बातें बताई जाएंगी। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग जान लेते हैं एडेप्टेशन वर्ड का आखिर क्या मतलब होता है। तो आप कह सकते हो एडेप्टेशन एक प्रोसेस है जिसमें एनिमल्स हो या फिर प्लांट्स जो अपने सराउंडिंग में खुद को एडजस्ट करते हैं। अ प्रोसेस बाय विच एन एनिमल और प्लांट स्पीसीज बिकम एडजस्टेड टू इट्स सराउंडिंग्स, दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। ये एडेप्टेशंस ये कोई एक दिन में नहीं होते हैं, ये बिल्कुल बहुत सालों से चले आ रहे हैं एडेप्टेशन का प्रोसेस। जैसे किसी भी प्लांट, कोई भी प्लांट हो, कोई भी एनिमल्स हो, कोई भी ह्यूमन हो, वो खुद को किसी भी स्पेसिफिक एरिया में अगर खुद को एडजस्ट करते हैं तो वह एडजस्टिंग जो होता है एडेप्टेशन कहलाता है। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक है। आप देख पा रहे हो आवर फर्स्ट टॉपिक इज वेदर। जैसा मैंने आप लोगों को बताया वेदर द स्टेट ऑफ द एटमोसफेयर, जो वेरिएबल होते हैं जो चेंज्ड होते रहते हैं, मॉर्निंग में कुछ और है, आफ्टरनून में कुछ और है, इवनिंग में कुछ और है, नाइट में कुछ और है, ये जो वेरिएबल एटमोसफेयर की जो स्टेट है ना इसे ही हम लोग कहते हैं वेदर। तो फ्रेंड्स जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक सेंटेंस है ना, द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर
at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place. ठीक है ना, पहले इस लाइन को समझ लेते हैं. जो किसी भी जगह का, किसी भी प्लेस का डे टू डे का जो कंडीशन होता है, जो मैंने कहा आपको वेदर के लिए द स्टेट ऑफ द एटमोसफेयर, ये जो डे टू डे जो कंडीशन हो रहे हैं एटमोसफेयर का किसी भी प्लेस में, ठीक है ना, तो इनको वेरिएबल जो ये हो रहे हैं ना, ये किन के रेस्पेक्ट में हो रहे हैं, ये अकॉर्डिंग ये टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में हो रहे हैं, ये ह्यूमिडिटी के रेस्पेक्ट में हो रहे हैं, रेनफॉल के रेस्पेक्ट में हो रहे हैं, विंड स्पीड के रेस्पेक्ट में हो रहे हैं, इन्हें ही हम लोग उस प्लेस का वेदर कह रहे हैं. जो किसी भी एटमोसफियर के कंडीशंस को जो चेंज कर रहे हैं ना, ये सारे एलिमेंट्स चेंज कर रहे हैं किसी भी प्लेस के एटमोसफियर को, ये चेंज कर रहे हैं. कौन चेंज कर रहे हैं? ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, ये एलिमेंट्स हैं जो किसी भी प्लेस के एटमोसफियर को चेंज कर रहे हैं. उन्हें ही हम लोग उस प्लेस का क्या कह रहे हैं? वेदर कह रहे हैं. ये है आपको इस लाइन में बताई गई. तो अब पहले आप समझ ले रहे हैं कि टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, रेनफॉल क्या है, विंड स्पीड आखिर ये है क्या. तो इन्हें समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, आखिर ये आप देख पा रहे हो ना, ये एलिमेंट्स, इस एलिमेंट्स वर्ड का आखिर क्या मतलब होता है. फ्रेंड्स, एलिमेंट्स वर्ड का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ समथिंग विच हैज अ स्पेशल कैरेक्टर. ठीक है, उसे ही हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स क्या है? किसी भी मैटर का, किसी भी चीज का एक पार्ट जिसका एक स्पेशल अपना कैरेक्टर होता है, उसे हम लोग एलिमेंट्स कह रहे हैं. तो आप जान रहे हो यहां पर एलिमेंट्स में आ रहे हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड. अब है आपको जानना कि ये जो इन सब का अपना अपना कैरेक्टर है, टेम्परेचर का अपना एक स्पेशल कैरेक्टर है, ह्यूमिडिटी का अपना एक स्पेशल कैरेक्टर है, रेनफॉल का अपना एक स्पेशल कैरेक्टर है, विंड स्पीड का अपना एक स्पेशल कैरेक्टर है. ये सारे एलिमेंट्स हैं जो किसको इफेक्टिव बनाते हैं? वेदर को. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आखिर टेम्परेचर वर्ड का आखिर क्या मतलब होता है. अ थर्मल कंडीशन ऑफ अ प्लेस और एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर. ठीक है ना, किसी भी प्लेस का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो थर्मल कंडीशन होता है ना, कि आखिर वो कितना गर्म है ना, कितना ठंडा है, कितनी हॉट है, कितनी कोल्ड है, वो बताती है हमें टेम्परेचर. ठीक, अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसका नाम आप बताओ. वो उसका नाम है, हम लोगों ने लास्ट के चैप्टर्स में भी पढ़ा थे, हम लोगों ने पढ़े थे ना लास्ट के चैप्टर्स में, अब लोगों को याद होने चाहिए. तो टेम्परेचर को मापने के लिए यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किसके? टेम्परेचर के हैं थर्मोमीटर, अ स्पेशल टाइप ऑफ थर्मोमीटर, यू शेप्ड के होते हैं उसके थर्मोमीटर. ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, या फिर आप बोलोगे मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर, जो भी बोलो. ये होते हैं टेम्परेचर को मेजरिंग करने के इंस्ट्रूमेंट, थर्मोमीटर. अपने आप लोग जानते ही होंगे. फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं वेदर के एक और एलिमेंट्स के बारे में, दैट इज ह्यूमिडिटी. अब देख पा रहे हो ना, ह्यूमिडिटी आखिर क्या होते हैं? एन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर दैट इज प्रेजेंस इन द एयर दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. तो वो अमाउंट, मॉइस्चर का एक अमाउंट, तो मॉइस्चर मतलब वेट, डैम्प, वाटर वेपर, ये जो होते हैं ना, ये होता है मॉइस्चर जो एयर में प्रेजेंस होते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं ह्यूमिडिटी. तो ह्यूमिडिटी भी एक एलिमेंट्स है किसके? वेदर के. ठीक है, किसको इफेक्टिव बना रहे हैं? वेदर को. ठीक है, अब है ह्यूमिडिटी को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है. ह्यूमिडिटी के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? उसका नाम है हाइग्रोमीटर. नाम याद रखो, ह्यूमिडिटी के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम हाइग्रोमीटर. नेक्स्ट हम लोग एक और जान लेंगे एलिमेंट्स के बारे में, वो है रेनफॉल. तो रेनफॉल क्या है? रेनफॉल अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट इज कॉल्ड रेनफॉल. ठीक है ना, ये रेनफॉल
ये भी एक एलिमेंट्स है वेदर के जो वेदर को इफेक्टिव बना रहे हैं, ठीक है। अब है कि रेनफॉल को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है। रेनफॉल के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम है रेन गेज, आप लोग जान के रखें। तो फ्रेंड्स चलिए जान लेते हैं वेदर के एक और एलिमेंट्स के बारे में, दैट इज विंड स्पीड। आप देख पा रहे हैं तो विंड स्पीड क्या होते हैं, द रेट एट विच एयर इज मूविंग इन अ पार्टिकुलर एरिया दैट इज कॉल्ड विंड स्पीड, जिसको आप जनरली फॉर्म में आप विंड का फ्लो भी बोल सकते हो, विंड फ्लो बोल सकते हो। ये किसी भी पार्टिकुलर एरिया में जिस रेट से होते हैं ना फ्लो करते हैं उसे हम लोग कहते हैं विंड स्पीड। ये KM जिसको आप लोग कहते हैं MPH माइल्स पर आवर्स में होते हैं, इसके अलावा किलोमीटर पर आवर में होते हैं, मीटर पर सेकंड में होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग अब जान लेते हैं विंड स्पीड को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है एनीमोमीटर। नेक्स्ट हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। देन आवर नेक्स्ट वर्ड इज मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स, यू कैन सी। तो सबसे पहले हमें जान लेना है ये थर्मोमीटर्स जो होते हैं ना, जनरली ये थर्मोमीटर्स का यूज हम किस पर्पज से करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा जनरली हम लोग टेम्परेचर को मेजरिंग करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसे हम लोग कहते हैं थर्मोमीटर्स। और वेदर में एक एलिमेंट पाया जाता है जिसका नाम है टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर को मेजरिंग करने के लिए हम लोग एक स्पेशल यू टाइप्ड और यू शेप्ड एक थर्मोमीटर का जनरली यूज करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स। क्यों इसका नाम मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स है, क्योंकि जैसा इसके नाम से पता चल रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ द डे, और मिनिमम टेम्परेचर ऑफ एनी डे, किसी भी डे का मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जनरली हम लोग इसका यूज करते हैं, इस थर्मोमीटर्स का। तो मैक्सिमम टेम्परेचर होता क्या है, द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ हीट ऑफ दैट डे, ठीक है ना, और लीस्ट अमाउंट ऑफ द हीट ऑफ दैट डे, दैट इज मिनिमम। हाइएस्ट अमाउंट ऑफ द हीट किसी भी डे में कब होते हैं, आप सोचिए, वो होते हैं आफ्टरनून को। तो आफ्टरनून को किसी भी डे का हाइएस्ट अमाउंट ऑफ हीट होता है, ठीक है, वो मैक्सिमम टेम्परेचर है उस डे का। और मिनिमम टेम्परेचर क्या होते हैं, मिनिमम टेम्परेचर लीस्ट हीट ऑफ द कॉन्सर्न डे या फिर कोई भी एनी डे आप बोलो, तो उसमें होते हैं मिनिमम टेम्परेचर। तो मिनिमम टेम्परेचर किसी भी डे में कब होते हैं आप लोग बताओ, तो किसी भी डे में मिनिमम टेम्परेचर होते हैं मॉर्निंग को, ठीक है। तो यानी मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर से हम लोग माने जनरली क्या करते हैं ना, किसी भी डे के मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट को और मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट को मेजर करते हैं। और ये कब होते हैं, मैंने बताया, एक होते हैं डे में माने आफ्टरनून में जो कि मैक्सिमम होते हैं, और मिनिमम टेम्परेचर होते हैं मॉर्निंग में। तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी देख पा रहे हो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि क्लाइमेट आखिर क्या है, द एवरेज वेदर का एक कंडीशन होता है किसी भी पार्टिकुलर एरिया के लिए, तो उसे हम लोग कहते हैं क्लाइमेट, ठीक है ना। तो देन आप लोग यहाँ पर एक सेंटेंस देख पा रहे हो, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। तो पहले इस जो लाइन है ना, इस लाइन में क्या कहा गया है कि जो एवरेज पैटर्न होता है ना वेदर का किसी भी प्लेस के लिए वही कहलाते हैं क्लाइमेट। तो एवरेज वेदर पैटर्न मतलब, तो एवरेज वेदर पैटर्न है ना, आप देख पा रहे हो ये एवरेज वेदर पैटर्न, इस वर्ड को अगर आपको समझना है ना तो आपको पहले कुछ एग्जांपल्स को जानना पड़ेगा। जैसे आप एग्जांपल्स के रूप में आप कह सको कि मान लो कोई एक प्लेस है ना जहाँ पर पूरे मोस्ट ऑफ द ईयर क्या हो रहा है ना, सनलाइट हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे हॉट हो रहे हैं उसका वेदर। अब है नेक्स्ट कि उस ईयर में थ्रू आउट द ईयर उसमें इन्वॉल्व है रेनी सीजन्स भी इन्वॉल्व है, विंटर भी आ रहे हैं, लेकिन रेनी सीजन्स आ रहे हैं वो भी उसमें कुछ टाइम्स के लिए,
विंटर आ रहे हैं तो वो भी कुछ टाइम्स के लिए। तो ये जो पूरा थ्रू आउट जो पूरा ईयर है उसमें पूरा ऑलवेज सनशाइन रहते हैं, पूरा हाई टेम्परेचर रहते हैं उस क्लाइमेट में, तो उस प्लेस में, तो उस प्लेस का क्लाइमेट क्या होगा अब आप बताओ? तो उस प्लेस का क्लाइमेट होगा हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, ठीक है। नेक्स्ट और एक मैं एग्जांपल आपको बताऊं, मान लो कोई एक समवेयर जहां पर मोस्ट ऑफ द ईयर रेनी सीजन्स हो रहे हैं, माने मोस्ट ऑफ द ईयर 12 मंथ्स होते हैं एक ईयर में, तो मान लो कहीं पर 8 मंथ 9 मंथ पूरा रेनी सीजन्स जहां पर ऑलवेज रिसीव्स हो रहे हैं कोई एक पर्टिकुलर एरिया, तो उस एरिया का क्लाइमेट क्या होगा? तो उस एरिया का क्लाइमेट होगा वेट क्लाइमेट होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे एक और एग्जांपल्स, मान लो कोई एक प्लेस है जहां पर मोस्ट ऑफ द ईयर हाई टेम्परेचर तो होते हैं और साथ ही साथ क्या होते हैं ना रेनफॉल भी होते हैं, मोस्ट ऑफ द ईयर हाई टेम्परेचर भी होते हैं और रेनफॉल भी होते हैं, देन उस एरिया पार्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट क्या होगा? उस पार्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट होगा हॉट एंड वेट क्लाइमेट होगा, ठीक है, हॉट भी है ठीक है और क्लाइमेट और वेट भी है। तो ये क्लाइमेट को बता रहे हैं, यानी ये किस पर डिपेंड कर रहे हैं, यानी क्लाइमेट किस पर डिपेंड करता है, तो वेदर पर डिपेंड करता है। और वेदर को इफेक्टिव कौन बनाते हैं, इफेक्ट कौन करते हैं जनरली, वो करते हैं वेदर के एलिमेंट्स जो मैंने कहा, तो वेदर के एलिमेंट्स वेदर को इम्पैक्ट देते हैं और वेदर फिर रिलेशन रखता है क्लाइमेट से। वेदर जिस प्लेस का, जिस भी प्लेस का जैसा होगा वहाँ का वैसा ही क्लाइमेट बनेगा। अब है ये पैटर्न की 25 इयर्स का एवरेज, इसे इस वेदरिक जो कंडीशन है ना, तो इससे पहले 20 इयर्स लिया जाता है, 30 इयर्स लिया जाता है, कहीं पर 22 इयर्स मेजर किया जाता है, कहीं पर 28 इयर्स का पैटर्न में इसे मेजर किया जाता है, देन इसका एक एवरेज निकाला जाता है। तो आप लोग तो जानते हो एवरेज कैसे निकाला जाता है, मैथमेटिक्स में आपने किए होंगे, 20 इयर्स का कैलकुलेशंस इंफॉर्मेशन डेटा, देन 30 इयर्स का इंफॉर्मेशन, उन दोनों का 20 इयर्स और 30 इयर्स का एवरेज होगा 25, या फिर आप बोलोगे 22 इयर्स का और या फिर 28 इयर्स का, जो एवरेज एक निकाला जाएगा उसका ही निकलेगा 25 इयर्स, ठीक है ना। तो ये इसलिए इसका एक एवरेज निकाला गया है क्लाइमेट का, कि क्लाइमेट को अगर हमको फाइंड आउट करना है तो वेदर को हमें इस तरह से एवरेज निकाल के करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स एज यू कैन सी आवर नेक्स्ट वर्ड इज हॉट एंड ड्राई। तो हॉट एंड ड्राई क्या है? हैविंग अ हाई डिग्री ऑफ हीट, दैट इज कॉल्ड हॉट, ठीक है ना। एंड व्हाट इज ड्राई? फ्री फ्रॉम मॉइस्ट, फ्री फ्रॉम वेट, फ्री फ्रॉम वाटर वेपर, दैट इज कॉल्ड ड्राई, ठीक है। तो बहुत ऐसे एरियाज हैं जहां पर थ्रू आउट द ईयर मोस्ट ऑफ द ईयर क्या होते हैं ना, ज़्यादातर सनशाइन होते हैं, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हीट होते हैं, या फिर हीट का जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, रेनफॉल बहुत कम होते हैं, या फिर विंटर सीजन्स भी कम ठहरते हैं वहाँ पर। तो ऐसे एरियाज के जो क्लाइमेट होते हैं ना जनरली, जो मैंने कहे आपको, वो हॉट एंड ड्राई ही होते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी देख पा रहे हो आवर नेक्स्ट वर्ड इज वेट। व्हाट इज वेट? वेट आप कह सकते हो फ्री फ्रॉम ड्राई, दैट इज वेट, और आप ऐसा भी कह सकते हो सैचुरेटेड विथ वाटर, तो वो होते हैं वेट। तो बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं इंडिया में ही, बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं जहाँ पर रेनफॉल होते हैं काफ़ी, मोस्ट ऑफ द ईयर जहाँ पर सिर्फ रेनफॉल ही होते हैं। तो ऐसे प्लेस नॉर्थ ईस्ट में हैं, हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में हैं। तो वो कहाँ पर हैं? तो आप ये जान के रखो पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल होते हैं ना वो होते हैं इंडिया का एक जगह है, वो है मौसिन राम। मौसिन राम एक जगह है इंडिया में, वो जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में, और वो जगह है मौसिन राम कहाँ पर? वो है मेघालय में। मेघालय आपने नाम सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, जो नॉर्थ ईस्ट में है जनरली हमारे इस पूरे इंडिया के, तो वहाँ पर पूरा वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव्स होते हैं। नेक्स्ट आप बोल सकते हो पूरा वर्ल्ड में जो सबसे जो हॉटेस्ट जो प्लेस है ना वो कहाँ पर है?
तो सबसे हॉटेस्ट प्लेस पूरे वर्ल्ड के हैं अफ्रीका में, अपने आप तो जानते होंगे। तो अफ्रीका के किस जगह पर? अफ्रीका के लीबिया में। और लीबिया के किस जगह पर? लीबिया के अल अजीजिया नाम का एक जगह है जहाँ पर रिकॉर्डेड है टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस है वहाँ का टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को जान के रखने हैं। तो क्लाइमेट के बारे में तो आपने जाना। नेक्स्ट है एडेप्टेशन। इस वर्ड का मतलब आखिर होते क्या है? जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जनरली प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं, किसी भी इन्वायरमेंट में फिट होने के लिए एडजस्ट हो जाते हैं, सुटेड हो जाते हैं, खुद को फिट कर लेते हैं उस एनवायरनमेंट में, दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन का इस क्लाइमेट के साथ एडेप्टेशन का क्या रिलेशन है? जहाँ पर जैसे क्लाइमेट होते हैं ना जनरली, वहाँ पर उसी तरह के एडेप्ट हो जाते हैं। वहाँ पर आप बोलो पीपल बोलो, आप एनिमल्स बोलो, आप प्लांट्स बोलो, ये जनरली एडेप्ट कर लेते हैं उस प्लेस को, माने एडजस्ट कर लेते हैं उस प्लेस के साथ खुद को। तो ये कैसे हो पाता है? ये जनरली जिस तरह एज ए एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि अफ्रीका अफ्रीका में जैसे कांगो एक वैली है, कांगो में आप बोल सकते हो जो सहारा जो डेजर्ट है ना, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे रहने वाले, आसपास में बहुत सारे ऐसे ट्राइबल्स के पीपल है जो वहाँ पर खुद को एडजस्ट कर लिए हैं। बट यहाँ पर हमें, यहाँ पर एडेप्टेशन हमें क्या पढ़ना है? पीपल के बारे में नहीं जाननी है, हमें एडेप्टेशन जानना है कुछ एनिमल्स के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है द पोलर रीजन्स। आप देख पा रहे हो, तो यह भी एडेप्टेशंस का ही एग्जाम्पल्स है। यहाँ आप लोगों को बताया गया है पोलर रीजन्स को, आप लोगों को एज एग्जाम्पल्स के रूप में आप लोगों को बताया गया है। तो व्हाट इज पोलर रीजन्स? सबसे पहले हमें ये जानना है। तो द एरिया ऑफ द ग्लोब सराउंडिंग द जनरली पोल्स, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इट इज आप इसको इसको आप क्या है और अदर्स नाम्स क्या है इसके? तो इट इज ऑल्सो नोन एज आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक जोन ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर जनरली बहुत ठंड पड़ती है इस जोन में, जो मैंने कहा ना आर्कटिक जोन एंड अंटार्कटिक जोन, ये जनरली नॉर्थ पोल में है एंड साउथ पोल में है। तो यहाँ पर इतनी ठंडी पड़ती है कि यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है ना वो जनरली सीवियर होते हैं। आप देख पाओगे वेरी कोल्ड होते हैं। कोई भी चीज़ जब वेरी में आते हैं ना तो उसे हम लोग सीवियर के फॉर्म में रखते हैं। सीवियर जैसे वेरी कोल्ड है तो हम लोग कहेंगे उसे सीवियर, वेरी हॉट है तो उसे हम लोग कहेंगे सीवियर कंडीशन। तो सीवियर वर्ड का मतलब क्या होता है? सीवियर वर्ड का मतलब होता है अनडिजायरेबल, ठीक है, हार्श बोल सकते हो, डिफिकल्ट बोल सकते हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ सीवियर। तो ऐसे कंडीशंस में फिर भी बहुत ऐसे एनिमल्स हैं जो खुद को एडजस्ट कर लिए हैं इस वेदर में। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आप लोगों को पोलर रीजन्स के बारे में बताया, पोलर रीजन्स बहुत ही सीवियर कंडीशंस वाले रीजन्स होते हैं। इनमें कुछ अपना स्पेशल कैरेक्टर होता है। इनमें एज आप कह सकते हो इनमें विंटर में इनके जो सेल्सियस होते हैं ना टेम्परेचर के, वो -37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं, पहली बात। और सेकेंड वन है पोलर रीजन्स में जनरली आप देख पाओगे ऐसा फॉर 6 मंथ्स द सन नॉट सेट एट द पोल्स वाइल फॉर द अदर 6 मंथ सन डज नॉट राइज। आप समझ पा रहे हो उस बात को? यानी 6 मंथ सन सेट नहीं होते हैं, यानी 6 मंथ तक सन एकदम पूरा राइज होकर रहेंगे, सनसेट नहीं होंगे, और अगेन 6 मंथ आने वाले उसमें सनसेट रहते हैं, सन राइज नहीं होते हैं। और जिस मंथ से सनसेट हो जाते हैं यानी राइज नहीं होते हैं, उस मंथ से वहाँ पर विंटर सीजन शुरू हो जाती है, वहाँ पर टेम्परेचर -37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में जो सरवाइव करते हैं वो एनिमल्स, उनमें कुछ फीचर्स पाई जाती है। चलिए जान लेते हैं वो फीचर्स आखिर क्या है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया वहां पर जनरली पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स पाए जाते हैं। तो पोलर बियर्स के कुछ फीचर्स होते हैं, चलिए जान लेते हैं वो फीचर्स आखिर क्या है। पोलर बियर्स के जो फर होते हैं ना वो वाइट होते हैं। क्यों होते हैं व्हाइट फर? बिकॉज वो बैकग्राउंड में विजिबल हो जाते हैं, स्नोई होता है वहाँ का बैकग्राउंड, काफ़ी स्नो होते हैं, तो ताकि इजीली उन्हें कोई देख नहीं पाए, इजीली वो विजिबल नहीं हो, इसीलिए
उनका वाइट फर है, ये अडेप्टेशन का ही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन हम जानेंगे ये जो पोलर बियर होते हैं जनरली ये कैसे वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं, उसके पीछे का रीजंस, उनके स्किन के पीछे ना एक लेयर होते हैं किनके, फैट के, ताकि वो इजीली वहाँ पर सर्वाइव कर पाए। फैट से होता ये है कि उन्हें ज़्यादा ठंड नहीं लगती है, दूसरी बात। और आप ऐसा कहोगे कि ये जनरली इनके जो क्लॉज होते हैं ना वो वाइड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं क्लॉज, ताकि इनके हाथ से कोई भी प्रे मिस ना करे, वो इजीली किसी भी प्रे को वो मिस नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे कंडीशंस में प्रे मिलते नहीं हैं, शिकार मिलते नहीं हैं। जो पोलर बियर होते हैं अच्छे स्विमर्स होते हैं, उसी तरह आप बात करो जो पेंगुइन्स होते हैं ना वहाँ पर, वो भी अच्छे स्विमर्स होते हैं। तो ये जो स्विमिंग का एक कैरेक्टर है, ये जो क्लॉज का एक कैरेक्टर है, ये जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वाइट फॉर एंड बॉडी के लेयर में फैट का होना, ये टोटली अडेप्टेशन का ही एक एग्जाम्पल्स है। वे धीरे धीरे उनमें डेवलप हो गए इस तरह से कि वो इजीली वहाँ पर सर्वाइव कर पाए। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा, पोलर रीजन काफ़ी एक्सट्रीम वाले जगह हैं, वहाँ पर बहुत ऐसे एनिमल्स हैं जो जनरली विंटर सीजन्स के टाइम वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, मतलब वहाँ से निकल जाते हैं कहीं दूसरी जगह पर, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत ऐसे फिशेज हैं, बहुत ऐसे मस्क ऑक्सेंस हैं, आप देख पा रहे हो, बहुत ऐसे फॉक्सेस हैं, वो वहाँ से मूव हो जाते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय, सबसे पहले आप जान लें माइग्रेट वर्ड का मतलब क्या होता है। माइग्रेट वर्ड का मतलब होता है सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स वन रीजन टू अनदर। ये जो होते हैं ना, एक प्लेस से अनदर प्लेस में चले जाना, सीजनल जो मूवमेंट होते हैं एनिमल्स के, इसे ही हम लोग कहते हैं माइग्रेट। बहुत ऐसे एनिमल्स हैं जो मैंने कहा पोलर रीजन्स में विंटर आते ही, यानी जब सनसेट हो जाते हैं तब तो वहाँ पर विंटर आ जाते हैं, और विंटर आ जाने से वे वहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं, अनदर किसी रीजन्स में चले जाते हैं। देन जब सन, ये विंटर सीजन जब चले जाते हैं, देन वो फिर से वहाँ पर ज्वाइन हो जाते हैं। देन हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। व्हाट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? तो सबसे पहले आप लोगों को जानना है ये ट्रॉपिकल वर्ड का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल रीजन? तो अर्थ के ऐसे पार्ट्स, ऐसे सराउंडेड पार्ट्स जो इक्वेटर के नियर में होते हैं, उससे हम लोग ट्रॉपिकल रीजन्स कहते हैं। इक्वेटर के नियर वाले जो प्लेसेस होते हैं ना, उसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स। ट्रॉपिकल रीजन्स जनरली ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच वाला जो पोर्शन होता है ना, इसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। अब ट्रॉपिकल से आया है यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है? तो ऐसे फॉरेस्ट जो जनरली आप ऐसा बोल सकते हो जो काफ़ी हेवी रेनफॉल से ग्रो करते हैं, ऐसे फॉरेस्ट को हम लोग कहते हैं रेन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी आप जान गए पूरी बातों को, ऐसे हेवी रेन से होने वाले, बढ़ने वाले, ग्रो करने वाले फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल रीजन्स में हो, ठीक है। ऐसे रीजन्स में कैरेक्टर क्या है ऐसे रीजन्स के? तो ऐसे रीजन्स में स्पेशल कैरेक्टर हैं, यहाँ पर जो क्लाइमेट होते हैं ना वो आप क्या बोलोगे, हॉट होते हैं और वेट भी होते हैं। हॉट होते हैं क्योंकि बहुत टेम्परेचर होते हैं, और वेट इसीलिए होते हैं काफ़ी रेनफॉलिंग होती है। तो ऐसा जो कंडीशंस माना जाता है, ऐसा प्लेस माना जाता है, वो काफ़ी इसमें इजीली सर्वाइव कर पाते हैं एनिमल्स, ठीक है। तो इनमें कैसा टेम्परेचर होता है चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच का, यहाँ पर इन्हीं के बीच में चलता है, ये टोटल इनका टेम्परेचर होता है। तो इजीली सर्वाइव कर पाते हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हो ये प्लीजेंट है बहुत सारे एनिमल्स के लिए, और जब एक ही जगह पर बहुत सारे एनिमल्स रहेंगे तो वहाँ पर क्या कंपटीशन होगी, वहाँ पर फूड के लिए कंपटीशन होगी, वहाँ पर शेल्टर के लिए कंपटीशन होगी, वहाँ पर रहने के लिए कंपटीशन होगी। और जब कंपटीशन बढ़ जाते हैं ना, तो जनरली क्या होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर पाए जाते हैं बहुत ऐसे एनिमल्स में, ऐसे जगह पर स्पेशल कैरेक्टर वाले एनिमल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जैसा मैंने कहा आप लोगों को, यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर किसी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसमें पाए जाते हैं। जैसा आप देख पा रहे हो,
रेड आइड फ्रॉग यहाँ पर पाए जाते हैं। रेड आइड फ्रॉग देख रहे हो ना, ये स्पेशल कैरेक्टर है क्योंकि ताकि वो इजीली कंपटीशन कर पाए, फूड के लिए वो सरवाइव कर पाए, वो इजीली रह पाए, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखोगे, ये आप देख रहे हो ए न्यू वर्ल्ड मंकी, इनके भी स्पेशल कैरेक्टर हैं। स्पेशल कैरेक्टर ये हैं, इनके लॉन्ग टेल होते हैं ताकि वो इजीली ब्रांचेस को ग्रैस्प कर सकते हैं, कैचेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे ऐसे एनिमल्स में जनरली और क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हो ऐसे ट्रॉपिकल एनिमल्स में जनरली हियरिंग शार्प होते हैं, इनके हियरिंग काफ़ी शार्प होते हैं, शार्प आईसाइट होते हैं, इनके जो स्किन होते हैं वो थिक होते हैं, कलरफुल स्किन होते हैं ताकि वो ब्लेंड कर पाए अपने सराउंडिंग्स में, ठीक है ना। तक क्यों? क्योंकि वहां पर जैसा मैंने कहा, वहां पर कंपटीशन काफी ज्यादा होते हैं फूड के लिए, शेल्टर के लिए। नेक्स्ट हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए जान लेते हैं हमसे आखिर क्वेश्चंस नंबर 1 में क्या पूछे गए हैं। नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस, ठीक है ना। तो आपको एलिमेंट्स के नाम बताने हैं जो किसी भी प्लेस के वेदर को डिटरमाइन करते हैं। तो वो कौन से एलिमेंट्स हैं, मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया भी। दैट इज आंसर में आप लिखोगे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, द रेनफॉल, विंड स्पीड, स्पीड ऑफ द एयर और एयर प्रेशर, दैट इज एटसेट्रा आर द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर, ठीक है ना। ये एलिमेंट्स हैं वेदर के। बिकॉज द वेदर ऑफ अ प्लेस कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग दिस एलिमेंट्स, ठीक है। इन एलिमेंट्स को यूज करके हम किसी भी प्लेस का वेदर के वेदर को डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी जनरली कहा जाए वेदर को ये इफेक्टिव बनाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग जान लेंगे क्वेश्चंस नंबर 2 में आखिर क्या पूछे गए हैं। एज यू कैन सी व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स लाइकली टू ऑकर ड्यूरिंग द डे। डे में मैक्सिमम और मिनिमम जो टेम्परेचर मैंने बताए थे ना, वो किस किस टाइम होते हैं वो आपको बताने हैं। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे ऑकर्स जनरली इन द आफ्टरनून, वाइल द मिनिमम टेम्परेचर ऑकर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग, ठीक है ना। तो मैक्सिमम होते हैं मैंने आपको बताए थे आफ्टरनून में, और जनरली मिनिमम टेम्परेचर अर्ली मॉर्निंग में होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे क्वेश्चंस नंबर 3 में क्या पूछे गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिनमें ब्लैंक्स हैं वो आपको फिल करने हैं। तो फर्स्ट वन इज द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड, क्या कहेंगे। द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड, क्या कहेंगे आप लोग, थोड़ा सोच के बोलिए। इसे हम लोग कहेंगे क्लाइमेट। मैंने बताया था ना क्लाइमेट क्या है, किसी भी प्लेस का वेदर का जो एवरेज कंडीशन है ना, यही ना हम लोग कहते क्लाइमेट होते हैं, ठीक। तो आप लोगों ने क्या लिखना है, क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। नेक्स्ट वन इज अ प्लेस रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल एंड द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस विल बी, मैंने आपको एग्जाम्पल्स में बताए थे ना क्लाइमेट के, जहाँ पर ऐसे प्लेसेस जहाँ पर काफ़ी कम रेनफॉल होते हैं और टेम्परेचर भी काफ़ी हाई होते हैं, तो वहाँ पर क्या बोलोगे, हॉट एंड ड्राई, ठीक है ना। तो आप लिखोगे हॉट एंड ड्राई, ठीक है। नेक्स्ट वन हम लोग आगे बढ़ेंगे। द टू रीजन्स ऑफ द अर्थ विथ एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, मैंने आप लोगों को बताया कुछ देर पहले ही, वो क्या है, वो है ट्रॉपिकल रीजन्स और पोलर रीजन्स। आप लिखोगे पोलर रीजन्स और ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक है। और नेक्स्ट वन में हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में आखिर क्या है पूछे गए। इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, आपको कुछ एरियाज के क्लाइमेट को इंडिकेट करना है, जैसे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कैसे क्लाइमेट होते हैं। जनरली आप लिखोगे मॉडरेट हॉट और वेट क्लाइमेट, फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर एक्सट्रीमली कोल्ड इन द विंटर, ठीक है। विंटर में जनरली काफी कोल्ड होते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड होते हैं, ठीक है, और ऐसे मॉडरेट हॉट होते हैं और वेट क्लाइमेट होते हैं, ठीक है ना। तो
तो आप लोग ये लिखोगे इसके आंसर्स में। नेक्स्ट वन इज केरला। केरला के लिए आप लोग क्या लिखोगे? तो केरला वेरी हॉट एंड वेट एज इट इज कोस्टल एरिया। केरला वाई इट इज हॉट? बिकॉज ये हम लोग के साउथ में है ना, और साउथ से साउथ के बहुत नियर से ही इक्वेटर लाइन जाती है, आप लोगों को पता है ना, इसीलिए काफी हॉट है। जनरली जो सन जो साइन करते हैं, सन की जो रेज होते हैं ना, वे डायरेक्टली हमारे साउथ इंडियन जितने भी हैं हम लोग के साउथ के इंडिया के जितने सारे पार्ट्स जो साउथ से बिलोंग करते हैं, केरला, देन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, चेन्नई, ये जितने भी एरियाज हैं ना, वो उसमें क्या होते हैं, सन के रेज डायरेक्ट पड़ते हैं, इसीलिए वो काफ़ी हॉट हैं, ठीक है। और वे काफ़ी क्या नाम है, कोस्टल एरियाज में है, ऐसे एरियाज में इसीलिए वेट है। कोस्टल एरियाज में ने मैंने बताया था, जहाँ से कोस्टल एरियाज वे एरियाज हैं जहाँ पर लैंड टच की हुई है वाटर रिसोर्सेज से, उन्हें हम लोग कहते हैं कोस्टल एरियाज। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे क्वेश्चंस नंबर सी में है क्या पूछे गए। सी है राजस्थान। तो राजस्थान में कैसा वेदर आप लिखोगे? तो राजस्थान के लिए आप लिखोगे हॉट एंड ड्राई, बिकॉज द टेम्परेचर इज हाई ड्यूरिंग द मोस्ट ऑफ द ईयर। हॉट एंड ड्राई आप लोगों को पता है, मैंने एग्जांपल्स में बताए थे, यानी थ्रू आउट द ईयर पूरी तरह से हाई टेम्परेचर होते हैं, बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली अ फ्यू मंथ्स ही विंटर लास्ट करते हैं, और द टेम्परेचर इज क्वाइट लो, ठीक है ना, और दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, ऐसे मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे आपको। तो जहाँ पर आपको क्या लिखना था, राजस्थान काफ़ी हॉट एंड ड्राई होते हैं, मैंने एग्जाम्पल्स में क्लाइमेट के बताए थे आपको, ऐसे एरियाज जहाँ पर काफ़ी थ्रू आउट द ईयर मोस्ट ऑफ द ईयर क्या होते हैं, काफ़ी हीट होती हैं, या फिर आप जो विंटर होते हैं, विंटर सीजन्स, वो भी कुछ दिन ही ऐसा बोल सकते हो वहाँ पर एग्जिस्ट करती है, देन रेनफॉल भी काफ़ी लिटिल होती है। तो ऐसे प्लेसेस में आप क्या बोलोगे, क्लाइमेट कैसा होगा, हॉट एंड ड्राई। नेक्स्ट वन हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया मैंने बताए थे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो होते हैं ये ज़्यादातर बहुत ही वेट होते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसे एरियाज में मोस्ट ऑफ द ईयर काफ़ी रेनी सीजन्स जैसे ही वहाँ पर क्लाइमेट होते हैं। तो आप लिखोगे वेट, बिकॉज द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है ना, इसीलिए वो एरियाज वेट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछे गए हैं। Which of the two changes frequently weather or climate? आपको बताने हैं इनमें से कौन में से दो जो frequently change होते हैं, ठीक है ना, फटाफट change होने वाले कौन है, जैसे weather है या फिर climate है। तो मैंने कहे थे climate तो 25 years का एक average weather होता है, 25 years, ठीक है, और weather क्या बोले थे मैंने, जैसे अर्ली मॉर्निंग में कुछ हो सकते हैं, फिर देन आफ्टरनून में कुछ हो सकते हैं, इवनिंग में कुछ और हो सकते हैं, नाइट में कुछ और हो सकते हैं, तो यानी ये फ्रीक्वेंटली चेंजिंग है जिसे हम लोग वेदर कहेंगे, तो वेदर चेंजेस फ्रीक्वेंटली। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे क्वेश्चंस नंबर 6 में क्या पूछे गए हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टर ऑफ एनिमल्स, ठीक है, आपको कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं एनिमल्स को, तो वो आपको बताने हैं। नंबर 1 में है डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स, नंबर 2 में वाइट फर, नंबर 3 में नीड्स टू माइग्रेट, नंबर 4 लाउड वॉइस, नंबर 5 स्टिकी पैड्स ऑन फीट, नंबर 6 लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, नंबर 7 वाइड एंड लार्ज पॉज, नंबर 8 ब्राइट कलर्स, नंबर 9 स्ट्रॉन्ग नेल्स, नंबर 10 लॉन्ग लार्ज बीक, ठीक है ना, ये आपको कुछ फीचर्स हैं एनिमल्स के बताए गए हैं और आपको अलग करना है। क्या करना है, For each characteristics indicate whether it is adaptation for tropical rainforest or polar regions. आपको बताने हैं इनमें से कौन सा adaptations किस animals के लिए tropical rainforest के लिए है और कौन सा polar regions के लिए है। Do you think that some of these character can be adapted for both regions? तो आप लिख सकते हो, अगर आप ऐसा सोचते हो कि कुछ ऐसे character हैं जो दोनों regions में develop हुई है, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं आखिर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप कैसे लिखोगे।
तो क्वेश्चंस नंबर सिक्स में आप उसका आंसर्स जैसे लिखोगे उनमें से एक हेडिंग आप बनाओगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए और एक हेडिंग बनाओगे आप पोलर रीजियंस के लिए, ठीक है ना। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए आप कौन सा इसमें से चूज करोगे, नंबर ऑफ टेंस जो आपको दिए गए हैं उनमें से आप नंबर वन जो है आप देख पा रहे हो डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स। क्यों आप डाइट हैवी ऑन फ्रूट्स को चूज करोगे, इसलिए चूज करोगे क्योंकि जैसा मैंने कहा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं ना वहां पर ऐसे फॉरेस्ट में काफी फ्रूट्स होते हैं और वो फ्रूट्स खाकर बहुत ऐसे एनिमल्स सर्वाइव करते हैं, इसीलिए आप लिखोगे डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स, ठीक है। अच्छा नंबर फोर लाउड वॉइस, ठीक है। तो लाउड वॉइस क्यों होते हैं, लाउड वॉइस इसीलिए होते हैं ताकि वो किसी अदर्स एनिमल्स को डरा सकें, अदर एनिमल्स को डराएंगे तभी उन्हें फूड और शेल्टर मिल पाएगा, ठीक है। ये पोलर रीजन्स वाले में नहीं होते हैं, ठीक है। अगर वो लाउड वॉइस करेंगे तो उनके प्रे उनके उनसे भाग जाएंगे, वो कैच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए ऐसे फीचर्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। स्टिकी पैड्स ऑन फीट, स्टिकी फैट्स ऑन फीट मैंने बताए थे, जो रेड कलर आई होते हैं ना ऐसे फ्रॉग रेड कलर्ड आई, ये डराने के लिए होते हैं क्योंकि वहां पर जैसे मैंने कहा कंपटीशन ज्यादा है फूड के लिए शेल्टर के लिए, तो रेड कलर्ड आई होते हैं, स्टिकी पैड्स होते हैं ताकि वो इजीली किसी भी ट्रीज पर चढ़ पाए और कोई भी इंसेक्ट्स को इजीली आप वो खा पाए, इसीलिए उन्हें एडेप्टेशन में ऐसे कुछ कैरेक्टर्स मिले हैं। देन आप लिखोगे ब्राइट कलर्स, ब्राइट कलर्स जनरली क्या करते हैं ना वो अट्रैक्ट करते हैं, बहुत ऐसे एनिमल्स के ब्राइट कलर हैं वो दूर से ही देख लेंगे, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। तो अट्रैक्टिव होने से क्या होता है ना बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं उनके पास जाने की कोशिश करते हैं, सामने से उन्हें देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो है क्या, ठीक है। और इजीली वो देन क्या करते हैं, ऐसे फीचर्स जनरली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले ही एनिमल्स में पाए जाते हैं, देन वो इजीली उसे कैच कर लेते हैं। ये ब्राइट कलर वाले ये जनरली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले एनिमल्स में पाए जाते हैं। अगर ये कलर अगर सिमिलरली ब्राइट कलर्स अगर पोलर रीजन्स में होते देन क्या होता, उनके जो प्रे होते हैं ना उन्हें दूर से ही देख लेते और वो फिर भाग जाते, ठीक है, और फिर वो नहीं कैच कर पाते। स्ट्रॉन्ग टेल्स ये भी जनरली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले जो एरियाज है ना वहाँ पर पाए जाने वाले एनिमल्स के फीचर होते हैं। जनरली ये जो टेल्स होते हैं ना बॉडी बैलेंस का पहला ये काम करते हैं, सेकंड वन इज ये किसी भी ट्रीज पर ब्रांचेस पर जो बैठते हैं ना बहुत ऐसे मंकीज हैं उनको बैलेंस ये क्रिएट करते हैं, तो ये भी अडेप्टेशन का ही एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट है लॉन्ग एंड लार्ज बीक, लॉन्ग एंड लार्ज बीक जो होते हैं वो भी जनरली ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले ही एनिमल्स में ये पाए जाते हैं। लॉन्ग और लार्ज इसीलिए होते हैं ताकि वो इजीली किसी भी फ्रूट्स को वो खा पाए या फिर किसी भी जो ऐसे फ्रूट्स जिनको इजीली कोई आप बोल सकते हो बहुत ऐसे एनिमल्स हैं जो उसे खा नहीं पाते हैं, लेकिन बहुत ऐसे क्रिएटिव फीचर्स हैं जिनमें स्पेशल कैरेक्टर्स पाई जाती है लॉन्ग एंड लार्ज बीक के, वो इजीली उसे ईट कर पाते हैं। ये जितने भी सारे बॉडी के स्ट्रक्चर्स के बहुत ही सारे जो फीचर्स होते हैं ना वो जनरली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले एरियाज में पाए जाने वाले एनिमल्स में ही होते हैं क्योंकि वहाँ पर फूड और शेल्टर के कॉम्पिटिशन्स काफ़ी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वो जो सर्वाइव करने के लिए जो जगह है ना वो आप बोल सकते हो हॉस्पिटेबल कंडीशन है और हॉस्पिटेबल कंडीशंस में बहुत ज़्यादा एक साथ क्या कर रहे हैं एनिमल्स रहते हैं, जब एक साथ गैदरिंग में रहेंगे तो उनमें फूड का कॉम्पिटिशन्स शेल्टर का कॉम्पिटिशन्स ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड्स चलिए जान लेते हैं आखिर पोलर रीजन्स वाले में आप कौन सा कैरेक्टर को चूज करोगे। तो पोलर रीजन्स में जनरली आप वाइट फर को चूज करोगे। वाई वॉट वाइट फर को आप क्यों चूज करोगे, इसके पीछे का रीजन्स यही है जो जनरली जो मैंने कहा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जिस तरह ब्राइटेड कलर्ड होते हैं इससे अट्रैक्शंस बढ़ते हैं अदर एनिमल्स के, ठीक है, वो स्पेसिफिक एनिमल्स जिसके पास ब्राइटेड कलर्ड है तो इससे अट्रैक्शंस बढ़ती है, तो वो उसे सामने से फ्रंट से व्यू करने की कोशिश करता है, उसके पास जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके ऑपोजिट पोलर रीजन्स में वाइट फर होते हैं इसीलिए क्योंकि वो जो बैकग्राउंड में स्नो होते हैं ना
उनसे वो मिक्स्ड हो जाए, वो इजी विजिबल नहीं हो किसी भी एनिमल्स के लिए। और ऐसे में पोलर जो बियर होते हैं वो क्या करते हैं, इजीली कैच कर लेते हैं अपने प्रे को, अपने शिकार को। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 3 लिखोगे आप, नीड टू माइग्रेट। व्हाई नीड टू माइग्रेट, मैंने कहा था माइग्रेट वर्ड का मतलब है सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये इसीलिए माइग्रेट का नीड होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस होते हैं वहाँ पर, और वो भी विंटर सीजन्स में। तो बहुत ऐसे एनिमल्स हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जनरली ऐसे कंडीशंस में उन्हें ना तो फूड मिलते हैं और ना ही शेल्टर मिलते हैं, इसीलिए वे अनदर प्लेस में वो मूव कर जाते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट वाला आप लिखोगे नंबर 6, लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन। ये भी स्पेशल कैरेक्टर हैं जो पोलर रीजन्स वाले जो एनिमल्स हैं उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है ना, ये फैट स्किन के बिलो और अंडर में जो फैट्स होते हैं ना, वो उन्हें किस चीज़ से हेल्प करते हैं, जो सीवियर जो कंडीशन है, जो कोल्ड कंडीशंस है ना, उनसे ये इन्हें हेल्प करते हैं। उनसे क्या होता है, उन फैट्स से इसे गर्म जो है होती है वो लगती है, और ठंडा जो है, जो कोल्ड जो है ना, वो उन्हें ज़्यादा नहीं लग पाती है। नेक्स्ट वन है नंबर 7 लिखोगे आप, वाइड एंड लार्ज पॉज। वाइड एंड लार्ज पॉज इसलिए ज़रूरत है क्योंकि मैंने कहा था ऐसे कंडीशंस में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनके जो प्रेज होते हैं ना वो मिस नहीं हो। ठीक है, वहाँ पर बहुत ही रेयर में एनिमल्स होते हैं, और जो भी एनिमल्स ऐसे पोलर बियर्स को देखने को मिलते हैं वो उन्हें इजीली नहीं छोड़ना चाहते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए उनके वाइड और लार्ज पॉज होते हैं। ठीक है, ताकि वो इजीली किसी भी प्रे को कैच कर पाए। ठीक है, और आपसे पूछा गया था कि आप ऐसा सोचते हो कि ऐसे एडेप्टेशंस जो होते हैं जनरली एनिमल्स के, क्या बोथ रीजन्स के लिए हैं? तो आप लिखोगे, आई थिंक दैट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी अडेप्टेड फॉर डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, ये लाइन आप लिखोगे। तो फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं आखिर क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछे गए हैं। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है ना, इसके पीछे का रीजंस क्या है आपको बताने हैं, क्यों लार्ज पॉपुलेशंस हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, तो वो आपको बताने हैं। आप आंसर्स में लिखोगे, इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है ना, इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर, पहली बात। उसके बाद आप लिखोगे, द टेम्परेचर ऑफ दिस रीजंस वेरीज फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है ना, दिस रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, काफ़ी रेनफॉल होते हैं, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्म्थ एंड रेन दिस रीजन्स सपोर्ट्स वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स। चूंकि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में क्या होते हैं, गर्मी भी होती है एज वेल एज आप वेट भी होती है, तो इसमें काफ़ी वैरायटीज में प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं। The climatic condition in rainforest are highly suitable for supporting an enormous number and a variety of animals. ठीक है ना, ऐसे conditions वाले को hospitable conditions वाला जगह बोला जाता है। Generally यहाँ पर बहुत suitable होते हैं conditions हर तरह के animals के लिए। ठीक है, then a variety of animals भी बहुत होते हैं, variety of number of plants, नंबर ऑफ फ्रूट्स, ट्रीज, बहुत सारे होते हैं वैरायटीज हर चीज में। दैट इज व्हाई द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स चलिए जान लेते हैं आखिर क्वेश्चंस नंबर 8 में क्या पूछे गए हैं। एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स व्हाई वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन अ पार्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो पार्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो सर्टेन काइंड के जो एनिमल्स होते हैं वे हमें क्यों वहाँ पर मिलते हैं, क्यों होते हैं वहाँ पर, कैसे ग्रो हो पाते हैं, वो आपको बताने हैं। इसके पीछे का रीजंस क्या है और एग्जांपल्स के साथ आपको बताने हैं। तो आप क्या लिखोगे, आपने तो अभी अभी इस चैप्टर में पढ़ा, तो आप लिखोगे, एनिमल्स आर अडेप्टेड टू द कंडीशंस इन विच दे लिव। ठीक है ना, तो जिस कंडीशंस में वो रहते हैं वैसा कंडीशंस में वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उस कंडीशंस को, उस वेदर को, उस एनवायरमेंट को। These adaptations are the just because of long process of evolutions. ये एक evolutions का ही process है,
वो अडेप्टेशन एक दिन में नहीं होता है, मैंने बताया था अभी आप लोगों को, ये काफी ईयर्स चले आ रहे हैं ऐसे अडेप्टेशन, ठीक है ना। देन इसीलिए वहां पर एग्जिस्ट कर पा रहे एनिमल्स। देन हम लोग जान लेंगे, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव इफ दे आर मूव्ड टू रीजन हैविंग डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस दैट फ्रॉम देयर हैबिटेट, ठीक है। वो जिस तरह जिस जगह पर रह रहे हैं, अगर मान लो पोलर रीजन्स में रहने वाले पोलर बियर को अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में दे दिया जाए और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले एनिमल्स को हम लोग पोलर रीजन्स में भेजते हैं, तो क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे जनरली। क्यों? क्योंकि वो उस वेदर को अडेप्ट कर लिए हैं, और ये काफी समय से होता आया है, ये इवोल्यूशन है, ठीक है ना। तो ये उस एरियाज को अडेप्टेशन नहीं कर पाएंगे बहुत जल्द, वो क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे जनरली, उनका डेथ हो जाएगा, वो सीवियर कंडीशंस में जा ही नहीं पाएंगे। पोलर रीजन्स वाले ना ट्रॉपिकल में जा पाएंगे और ना ट्रॉपिकल वाले पोलर रीजन्स में आ पाएंगे, ठीक है ना। तो आपको बताने हैं, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स, आपको एग्जांपल्स कुछ आपको इस तरह से लिखने हैं आंसर शीट में, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स, कुछ बताए गए हैं, चलिए देख लेते हैं क्या एग्जांपल्स हैं। अ पोलर बियर हैज थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन व्हिच एक्ट एज हीट इंसुलेटर। पोलर बियर जैसा मैंने कहा स्किन के अंडर क्या होते हैं, फैट का एक थिक लेयर होती है, किनसे बचाती है, जो इतने ठंड होते हैं ना उनसे वो बचाती है। इट प्रोटेक्ट्स द बियर फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट ऑफ पोलर रीजन्स, जो मैंने आप लोगों को बताया। द पोलर बियर कैन नॉट सर्वाइव इफ इट इज मूव्ड टू हॉट एंड ड्राई डेजर्ट रीजन्स, ठीक है ना। हॉट एंड ड्राई डेजर्ट वाले रीजन्स में अगर पोलर बियर मूव हो जाए तो जनरली मर जाएंगे, वो नहीं सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे जो मैंने बताया। तो वो अडेप्ट कर चुके हैं पोलर रीजन वाले जगह को, इसलिए वो वहीं पर रहेंगे जनरली, आने वाले कई जनरेशन तक वो वहीं रहेंगे और वहीं वहां पर डेवलप होंगे। नेक्स्ट वन है मंकी, मंकीज हैव लॉन्ग टेल फॉर ग्रैस्पिंग ब्रांचेस। आपने पढ़ा ना ट्रॉपिकल रीजन्स में बहुत ऐसे एनिमल्स हैं जिनके स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं, उसके आइदर बीक्स में होते हैं, उनके टेल्स में होते हैं, उनके मेन में होते हैं, या फिर उनके शार्प आईज होते हैं, हियरिंग भी शार्प होते हैं। तो जैसे यहाँ पर है मंकीज हैव लॉन्ग टेल फॉर ग्रैस्पिंग ब्रांचेस, बहुत ऐसे मंकीज हैं जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में उनके जो टेल्स में ग्रैस्प करने के लिए ब्रांचिंग को ब्रांचेस को ग्रैस्प करने के लिए उनके लंबे लंबे टेल्स होते हैं, वो एडेप्टेशन का ही कारण है। वो एडेप्टेशन में वैसे उस एनवायरमेंट को वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, ठीक है ना, वो फिट हो चुके हैं उस एनवायरमेंट में, तो एडेप्टेड टू लिव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। इट कैन नॉट सर्वाइव इन पोलर रीजन्स, ये पोलर रीजन्स में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8-9 में क्या पूछे गए हैं हमसे। हाउ डू एलिफेंट लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडेप्ट इटसेल्फ। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एलिफेंट होते हैं ना वो कैसे लिव करते हैं, ठीक है ना, तो वो आपको बताने हैं। इट हैज एडेप्टेड टू द कंडीशंस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मेनी रिमार्केबल वेज, बहुत ऐसे वे हैं जिनसे वो वहां पर जो एनवायरमेंट है, वेदर है, कंडीशंस है, क्लाइमेट को वो एक्सेप्ट कर लिए हैं, वो एडजस्ट हो गए इस वेदर में। तो इट यूजेस इट्स ट्रंक एज अ नोज, उनका जो एक ट्रंक होता है ना वो काफी लंबा होता है, उसे वो नोज के रूप में यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ विच इट हैज अ स्ट्रांग सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है ना, उनसे स्मेलिंग का काम लेते हैं, उनसे बहुत लंबा होता है, इजीली वो स्मेल, उनका जो स्मेलिंग का जो पावर सेंसिटिव होता है ना वो काफी दूर से वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई है, उनका जो सेंसिंग स्मेल होता है काफी स्ट्रांग होता है। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज बाय इट फॉर पिकिंग अप फूड, और उस ट्रंक का यूज वो फूड को पिकअप करने के लिए भी करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वन हम लोग देख लेंगे, मोर ओवर इट्स टस्क आर मॉडिफाइड टीथ, उनके जो टस्क होते हैं वो मॉडिफाइड टीथ होते हैं, किसी भी ट्रीज के बार्क को वो इजिली उनसे एकदम टीयर कर देते हैं, ठीक है ना। दिस कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज दैट एलिफेंट लव्स
टू एट, और उस स्ट्रीट्स के बार को वो अच्छा लगता है उन्हें खाना, ठीक है ना, वो ज्यादातर उस ऐसे खाने को काफी पसंद करते हैं. सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन फॉर फूड रैदर वेल. तो इसीलिए उस कंडीशंस में जो इजीली है ना, कौन, एलिफेंट, वो सर्वाइव करने के लिए वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, एडजस्ट हो चुके हैं उस वेदर में. और है एक बात, लार्ज ईयर ऑफ द एलिफेंट, लार्ज ईयर होते हैं ना एलिफेंट के, वो हेल्प करते हैं उसे, एलिफेंट को कैसे हेल्प करते हैं, टू हियर एवरी वेरी इवन वेरी सॉफ्ट साउंड्स. जो भी सॉफ्ट साउंड्स होते हैं उनके आसपास में अगर कोई एनिमल्स है या फिर अगर उन्हें भागना है ऐसे एनिमल्स है, तो वो दूर से सुन लेते हैं ऐसे साउंड्स को. बहुत शार्प होते हैं उनके जो ऑर्गन्स होते हैं ना, बहुत शार्प होते हैं. दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल. पहला है जो लार्ज जो ईयर्स होते हैं ना, वो बॉडी बैलेंस उनका करते हैं, पहली बात. दूसरी बात, ये बहुत दूर तक इनके जो हियरिंग जो ऑर्गन्स है ना, जो ईयर्स हैं, बहुत दूर तक ये आवाज़ को सुन लेते हैं एलिफेंट्स. और दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल, और उन्हें ठंडा भी रखते हैं इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है ना. तो ये स्पेशल फीचर्स हैं जो डेवलप हुए हैं उस ट्रॉपिकल वाले जगह पर रहकर. तो फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं आखिर क्वेश्चंस नंबर 10 में क्या पूछे गए हैं. अ कार्निवोर विद स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी मूव्स वेरी फास्ट व्हाइल कैचिंग इट्स प्रे. इट इज लाइकली टू बी फाउंड इन. कहां पर ये पाए जाते हैं ये आपको बताने हैं, ठीक है ना. तो अ कार्निवोर विद स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी मूव्स वेरी फास्ट, ठीक है, व्हाइल कैचिंग इट्स प्रे. ऐसे आपको कार्निवोर का नाम बताना है जिनके बॉडी पर स्ट्राइप्स है, बहुत तेज मूव्स करते हैं जब वो किसी भी प्रे को पकड़ते हैं. तो ये लाइकली कहाँ पाए जाते हैं ये आपको बताने हैं, ठीक है. तो पोलर रीजन्स, नंबर 1 ऑप्शन, नंबर 2 डेजर्ट्स, नंबर 3 ओशंस, नंबर 4 ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. तो मैंने जैसा बताया था, पोलर रीजन्स में कार्निवोर होते हैं लेकिन वो बॉडी मूवमेंट उनका फास्ट नहीं होता है. डेजर्ट्स में जनरली कार्निवोर बहुत रेयर होते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वो भी बॉडी को फास्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज काफ़ी हॉट होती है वो वेदर, हॉट एंड ड्राई. देन ओशंस में नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो वाटर में होते हैं ना, वाटर में तो एक करंट होता है आप लोगों को पता है, इसलिए बॉडी को फास्ट मूव नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट वन बचा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये बहुत ही हॉस्पिटेबल ये कंडीशंस है, यहाँ पर इजीली रह पाते हैं. तो इसीलिए ये वाला जगह है आपका, ज़्यादा यहाँ पर फोकस होना पड़ेगा इस ऑप्शंस में, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो एनिमल्स है वहाँ पर ये ग्रो होते हैं, एडेप्ट कर लिए हैं ऐसे जगह को. आप ऐसा कह सकते हो ये हॉस्पिटेबल कंडीशंस है जनरली हर तरह के एनिमल्स के लिए. और यहाँ पर कार्निवोर भी पाए जाते हैं और ये बॉडी को इजीली फास्ट मूव कर पाते हैं, ठीक है ना. तो फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं आखिर क्वेश्चंस नंबर 11 में क्या पूछे गए हैं. विच फीचर्स एडेप्ट पोलर बियर्स टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट. कोल्ड क्लाइमेट में वो जो रहते हैं ना पोलर बियर्स, तो उनका जो एडेप्टेशंस है, वो एडेप्टेशंस का कौन सा फीचर्स है जिनमें वो इजीली एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में भी रह पाते हैं. अ वाइट फर, फैट बिलो स्किन, कीन सेंस ऑफ स्मेल, फर्स्ट वन. नंबर 2, थिन स्किन, लार्ज आईज, अ वाइट फर, नंबर 2. नंबर 3, अ लॉन्ग टेल, स्ट्रॉन्ग क्लॉज, वाइट लार्ज पॉज, नंबर 3. नंबर 4, वाइट बॉडी, पॉज फॉर स्विमिंग, गिल्स फॉर रेस्पिरेशंस. पहली बात, गिल्स वाले तो होंगे नहीं, ठीक है. नंबर 2, अ लॉन्ग टेल तो उनके होते नहीं हैं, ठीक है, लॉन्ग टेल नहीं होते हैं. और नंबर ये वाला सेकंड वाला, थिन स्किन तो उसके होते नहीं हैं. तो आपके बच्चे नंबर 1, वाइट फर होते हैं, फैट भी होते हैं उनके स्किन के बिलो, और कीन सेंस ऑफ स्मेल. कीन सेंस ऑफ स्मेल का मतलब होता है बहुत शार्प सेंस ऑफ स्मेल, बहुत दूर से ही ये पता लगा लेते हैं कि अराउंड 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के अंदर में कोई है.
और ये पोलर बियर ना स्नो के ऊपर से ही पता लगा लेते हैं कि स्नो के अंडर जो वाटर का जो फ्लो चल रहा है ना उसके नीचे में कोई फिश वगैरह है या नहीं, ये ऊपर से पता लगा लेते हैं। सोचिए इनका सेंसिंग पावर कैसा है। नेक्स्ट वन हम लोग देख लेंगे, यानी आप आंसर्स क्या लिखोगे। नंबर ए, वाइट फॉर फैट बिलो स्किन कीन सेंस ऑफ स्मेल। तो फ्रेंड्स चलिए जान लेते हैं आखिर क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछे गए हैं। विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स अ ट्रॉपिकल रीजन्स, ट्रॉपिकल रीजन्स को डिस्क्राइब करते हैं, इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन आपको बताने हैं। हॉट एंड ह्यूमिड, मॉडरेट टेम्परेचर हेवी रेनफॉल, नंबर 3 कोल्ड एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ड्राई। तो ये 4 ऑप्शन हैं आपको बताने हैं। तो जैसा मैंने बताया था काफ़ी वहाँ पर हीट होती है, काफ़ी हॉट होती है, सनलाइट काफ़ी होती है ना वहाँ पर, इसीलिए वो हॉट होते हैं। ह्यूमिड क्यों होते हैं, बिकॉज वहाँ पर रेनफॉल भी एज वेल एज वैसे ही होती है, तो इसीलिए इनका फर्स्ट ऑप्शन है हॉट एंड ह्यूमिड। इसके यही आप आंसर्स में लिखोगे। मॉडरेट टेम्परेचर तो होते नहीं है पहली बात, हेवी रेनफॉल होते हैं करेक्ट है, लेकिन मॉडरेट टेम्परेचर नहीं होते, इसीलिए ये नो होगा सेकेंड वाला। थर्ड वाला कोल्ड एंड ह्यूमिड, कोल्ड तो होते नहीं है वैसे एरियाज जनरली, और हॉट एंड ड्राई, हॉट होते हैं लेकिन ड्राई नहीं होते हैं, इसलिए ये नंबर सेकेंड नंबर थर्ड एंड नंबर फोर्थ रॉन्ग है आपका। आप सेलेक्ट करोगे नंबर 1 को, हॉट एंड ह्यूमिड को। तो यह था दोस्तों आज का वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के वीडियोज़ में।